आज हम सीखेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे होता है, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, ये सारे कन्वर्जन हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल कन्वर्जन सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि बाइनरी का बेस कितना होता है और डेसिमल का बेस कितना होता है। बेस जानेंगे तभी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम बाइनरी का कन्वर्जन करने से पहले इसका बेस जानते हैं। बाइनरी का बेस होता है 2, क्योंकि इसका बेस 2 इसलिए होता है क्योंकि इसमें 0 और 1 नंबर आता है, 1 2, इसका बेस हो गया 2। डेसिमल में वो क्या होता है, डेसिमल डेसिमल का बेस होता है 10, क्योंकि इसमें 0 to 9 नंबर आते हैं। अब हेक्सा डेसिमल इसका बेस होता है 16, इसमें आते हैं 0 to 50, 15 तक नंबर, 0 1 2 3 4 5 9। देखो 0 to 9 तक ये ऐसे ही नंबर में लिखे जाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 10 के बाद ये स्टार्ट होता है अल्फाबेट से, इंग्लिश के, मतलब 10 को लिखेंगे, 11 को लिखेंगे बी, 12 को लिखेंगे सी, 13 को लिखेंगे डी, और 14 को ई, 15 को एफ। अब ऑक्टल, ऑक्टल का कन्वर्जन करने के लिए ऑक्टल का बेस जानना जरूरी होता है। इसका बेस होता है ऑक्टल का 8, क्योंकि इसमें 0 to 7 तक नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 मिला के 8 हो जाता है। अब सबसे पहले हम बाइनरी टू डेसिमल देख रहे हैं, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 1 0 1 0, ये बाइनरी में है क्योंकि इसमें 0 और 1 ही दिख रहा है, तो कोई तीसरा नंबर नहीं दिख रहा है। तो अब डेसिमल में कन्वर्जन करना चाहता है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, तो ये नंबर बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल ऐसे लिख लेंगे, दुगना करते हैं, 4 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 16 का दुगना 32। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 0 से 0 1 0 1 1। अब ये ऐड करते जाएंगे, ऐड किसको करना है, जिसके नीचे 1 दिख रहा है उन सब डिजिट को ऐड करना है, 16 8 8, फिर 2, इन सबको ऐड करना है, 8 6 14, 14 तो 16, हासिल लगाए 26, तो ये आ गया 26 डेसिमल। अब इसी नंबर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो यही नंबर में मिल जाएगा। बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 26, 26 को बाइनरी में, तो इसका कन्वर्ट करने के लिए 26 को 2 से डिवाइड करें। क्यों 2 से डिवाइड करें, क्योंकि बाइनरी का नंबर, बाइनरी का बेस होता है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 2 3 6, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 एकम 2 2 3 6,
क्या बचा? जीरो बचा है। अब पूछो 12, ये 13 था तो कितना बच गया? एक। तो यहाँ पे डीजे लिख, जो बचता जाएगा, जो बचता जाएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। 2 3 6 0, कुछ नहीं बचा। 2 1 2 बचा एक। इसको तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पे जीरो नहीं मिल जाता, लास्ट डीजे जीरो नहीं हो जाती। 2 1 इसमें भाग जाएगा नहीं तो भाग, 0 बचा कितना? 1। अब इसको क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे नंबर को, लिखते हैं देखते क्या मिलता है। 1 1 0 1 0 वही डिजिट हमें मिल गया।